भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन पर हमले की आशंका जताई है। सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार है। बाबूलाल के अनुसार सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा पर पिछले दिनों हुए हमले की तरह सीता सोरेन पर भी जानलेवा हमला किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीता सोरेन ने लगभग डेढ़ दशक तक झामुमो विधायक के रूप में पार्टी की सेवा की। यदि उन्होंने अपने साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार और साजिश के विरोध में पार्टी छोड़ी तो क्या झामुमो उन पर जानलेवा हमला करा देगा। दुमका से झामुमो उम्मीदवार और विधायक नलिन सोरेन की छपी एक खबर को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इस खबर में नलिन ने झामुमो के विरुद्ध में बोलने पर सीता सोरेन के साथ भी गीता जैसा हाल होने की चेतावनी दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नलिन सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता का यह वक्तव्य झामुमो के उस अंदरूनी खूनी मानसिकता को भी उजागर करता है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इधर सीता सोरेन ने नलिन सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि आपके बाजू और लाठियों में अभी इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे जनता से मिलने, सच बोलने और संवाद करने से रोक सके।